हेलो ये पॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो भाइयों, अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो यार। वहाँ पे अपन 1000 फॉलोअर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो पहुँचा दो यार भाई को 1000 फॉलोअर्स तक। तो चलिए अब अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो भाइयों, पहली अपडेट जो है वो ब्रदावी की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, ब्रदावी ने अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला है और उसका कैप्शन कुछ ऐसा है, टैग समबडी आई शुड कोलैबोरेट विथ। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो बादशाह की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, बादशाह की जो अभी एल्बम आई थी द पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ किड, उस एल्बम का पहला म्यूजिक वीडियो आने वाला। वैसे देखा जाए तो शुरू गाना था पर वो एक इंट्रो था, तो उसका तो म्यूजिक वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अभी आने वाला है दूसरे गाने का म्यूजिक वीडियो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा हो सकता है वो गाना। मेरे हिसाब से क्लाउड का आ सकता है, आप लोग बताओ कि आप लोग को क्या लग रहा है। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो हरजस की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, हरजस का एक ट्रैक आने वाला है जो कि होगा अबीर अरोरा के साथ में, तो जल्दी आप लोग को ये गाना देखने को मिलेगा। उन्होंने एक स्निपेट भी डाला था। तो अगर आप लोग अबीर अरोरा को नहीं जानते हो तो एक बार सर्च करो, काफी अच्छे आर्टिस्ट है, काफी अच्छे गाने निकालते हैं। तो देखते हैं कब तक ये ट्रैक आता है, जैसी कुछ अपडेट्स आती है मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो रफ्तार और कृष्णा की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, SY के जो ट्रैक आने वाला है रफ्तार और कृष्णा का 29th को, उसका फुल फॉर्म पता चल चुका है। तो गाने का नेम है साथ या खिलाफ और पोस्टर भी रिलीज हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एक्साइटेड हो कि नहीं इस ट्रैक के लिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और देखते हैं कुछ स्पेशल देखने को मिलता है कि नहीं इस गाने में। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो लोका की तरफ से आ रही है। तो भाई, आप लोग को पता ही है कि लोका की जो EP है वो आने वाली है इनोव्यूरा एंटरटेनमेंट से। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि लोका जो है वो साइन तो नहीं हो गया इनोव्यूरा एंटरटेनमेंट से, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी डाली है अपने इंस्टाग्राम में, आई हैवेंट साइंड एनी लेबल, आई जस्ट सोल्ड माई EP। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को उस दिन भी बता दी थी कि लोका ने सिर्फ उनकी EP की डील करी है, वो किसी लेबल से साइन नहीं हुआ है और इन फ्यूचर आप लोग को शायद देखने को भी नहीं मिलेंगे वो किसी लेबल से। सिर्फ EP आने वाली है इनोव्यूरा एंटरटेनमेंट से। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो शेटी शाह की तरफ से आ रही है। तो भाई, जैसे ही कल मैंने आप लोग को अपडेट दी थी कि शेटी शाह का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो चुका है, तो कुछ ही टाइम बाद शेटी शाह का उनका चैनल वापस से मिल गया, मतलब रिकवर हो चुका है उनका चैनल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले, अकाउंट रिकवर्ड। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो हाजी स्प्रिंगर की तरफ से आ रही है। तो भाई, हाजी स्प्रिंगर ने आज अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है, तो इस चीज के बारे में भी बात करेंगे अपन। पहले आप लोग यहाँ पे देख लो, लाइफ इज मच बेटर आफ्टर लीविंग दैट वैक एज लेबल। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा, मैंने ये चीज गूगल करी। वैसे मुझे पता था कि कौन से लेबल से वो साइन थे हाजी स्प्रिंगर पहले, पर फिर भी मैं आप लोग को गूगल के रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे काली डेनाली म्यूजिक और एक थीज एंटरटेनमेंट करके आ रहा है, तो ये जो सेकंड लेबल है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, पर ये चीज मुझे पता थी कि काली डेनाली से ये साइन थे हाजी स्प्रिंगर, और अभी उन्होंने वो लेबल छोड़ दिया है। और बीच में मैंने आप लोग को अपडेट भी दी थी इक्का वर्सेस KDM जब चल रहा था तब, कि हाजी स्प्रिंगर के साथ भी कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं है KDM के, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन करी हुई है। हुआ तो मैं ऊपर आई बटन में आप लोग को उसका लिंक दे दूंगा। तो फिलहाल स्टोरी पे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी डाली है हाजी स्प्रिंगर ने, ये KDM के लिए डाली है कि उन्होंने KDM छोड़ दिया, तो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो चुकी है अब। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो रैप डीमन की तरफ से आ रही है। तो भाई, रैप डीमन की जो EP आने वाली है द बैडेस्ट ब्राउन बॉय, उसका फर्स्ट ट्रैक यानी कि टाइटल ट्रैक ड्रॉप हो चुका है, तो आप लोग ये गाना जाके सुन सकते हो। काफ़ी अच्छा गाना है और 2 बीट के ऊपर ये गाना है, और पहली बीट प्रोड्यूस करी है उमर ने, दूसरी करी है खुद रैप डीमन ने, और गाना जो है वो काफी हार्ड बार्स के साथ आता है, और साथ ही साथ वीडियो काफी अच्छी लग रही है। बाकी आप लोग एक बार जाके सुनो गाना, अगर पसंद आता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ट्रैक जो है उसका नाम है क्लास क्लाउन बाय विचार, तो ये ट्रैक आप लोग जाके सुन सकते हो, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन और नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो इस ट्रैक में काफ़ी इंडियन रैपर्स को शाउट आउट दिया गया है, और आप लोग एक बार सुनोगे तो शायद आप लोग को भी पसंद आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और कृष्णा का जो व्यंजन ट्रैक था उसमें अल्फाबेटिक रैप किया गया था, और वैसा ही कुछ इस ट्रैक में भी हुआ है एकदम एंड में, तो आप लोग जाके सुनो, भाई को सपोर्ट करो। अब ये सुन फिर जज कर। अब सब करोगे भाई चार बात की, मैं भी गलती की है रात की करके शुरुआत। AC सारे रैपर्स करते रहते सेल्फ बोस्ट, बात दे डी सच बोलना हो तो मोस्ट ऑफ देम आर टोस्ट। EU दिस दिस के आजकल सारे गाने हैं, F-bombs की कमी नहीं हर एक लाइन में है जीसस। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।